Friends, and that is scheduled on 12th or 13th of October. And I announce for here, if anybody is aspirant of UPSC, he or she can come to Zoology Department for registration. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As Maharaj sir has already given my introduction, career counseling officer over there. Month, as you people are already aware about the fact that in this month, I think most of you students might not have been there at that point of time. It was in 2018, to be precise. Thank you. Getting your degrees, and all of you might be in the dilemma what's next in store for us. Is it so? Your government ke paas register. आज की डेट में जो हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट मंथ हैज रीच्ड टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ 32% इन स्टेट ऑफ इन यूटी ऑफ जेएनटी दैट इज बीइंग डन बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. हमें उन चीजों में लेकिन हमारे तक जो है हम वो करेंगे और इसमें ये फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू रजिस्टर यूर सेल्फ. वंस यू कंप्लीट यूर 10+2 इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू रजिस्टर बिकॉज Once you register yourselves, government can take care of you. Whether it's a government employment, it's a private sector employment, or it's a self-employment, which is emerging as a huge sector, providing employment to a lot of people. We have 22 departments who are offering self-employment schemes. But we don't know. Awareness is limited to our... We are using social networking sites. We are just spoiling our time on these phones which we have... with us. It would have been a blessing, but we have used it against that. We are obsessed with this thing. It was to ease our life, but it has gone otherwise. So, aap logon se main darkhast karunga ki aap register kare. You don't have to visit our office. Kahin par nahi aana hai. 5-6 minutes lagenge. All of you are connected. You can register. Isme aap karenge and then register karke apna username banaiye. Username is there, आप अपना phone number और कुछ भी रख सकते हैं जैसे password आप name at the rate of one. Faculty, my dear students, especially our special thanks for Nizam sahab. बेटा आप चुप करिए बेटा just I will just take 2 minutes. अजमेर आसिक शो की कामिल सही पायम की कसम ये खाए रखाऊं मैं कि मंजिल तेरी दूर. इसका इंग्लिश छोटा सा है. आई हैव सक्सीडेड वट एवर आई हैव अंडरटेकन बिकॉज आई हैव विल्ड इट. विल पावर सबसे बड़ी चीज है. रजिस्ट्रेशन की बात आई यहाँ पर. ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहा है इट इज वर्किंग फ्रॉम आई थिंक मोर देन 35 ईयर्स. मैं एक छोटी सी अपनी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा. इट वॉज 1987 अप्रैल एंड आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट. और इस लेटर में लिखा था कि आपका इंटरव्यू इंडोर स्टेडियम में लिया जाएगा 8 अक्टूबर को. आई रिमेंबर रिमेंबर दैट डे. दिस इज टॉक ऑफ 1987 एंड ऑन दैट डे इन दैट सेशन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. और इन दोनों क्या चल रहा है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी वहां पर उन दोनों एक स्पेशल ड्राइव एम्प्लॉयमेंट का चल रहा था. एंड आई वाज आल्सो कॉल्ड बिकॉज आई हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड माई सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन विद द सेम डिपार्टमेंट. और उस स्पेशल ड्राइव में मोर देन 700 जो ग्रेजुएट्स थे एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट्स दे गॉट देयर दिस द अपॉइंटमेंट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. जिसमें LIC था, स्टेट बैंक था, मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे. तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया. देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग दिस. मैं PG के लिए मैंने अप्लाई किया था तो आई वॉज बिजी इन दैट. सो रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू जस्ट गो फॉर दिस रजिस्ट्रेशन. अर्चना वर्णन के ने 2015 में इसको ये किया था. इट्स अ वन स्टॉप सेंटर. लिसन टू मी प्रेजेंस है ये इसमें क्या है. व्हाट इज देयर इज
आप पूछेंगे एनसीएस में क्या है। एनसीएस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये वो पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट भी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी है, एवरीबडी इज ऑन दिस पोर्टल। आई कैन टेल यू देयर आर 63 million पीपल एम्प्लॉयर्स, सॉरी 63 million जॉब सीकर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस थिंग। 63 million, इमेजिन द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। 1 million होता है 10 lakh एंड कर दिया है। और आपकी सरप्राइज के लिए क्या है, जो मैंने आपको अभी पोर्टल का बताया jakemp.in जो हमने, वो हमारा स्टेट पोर्टल है। और वो स्टेट पोर्टल लास्ट मंथ 14th of July को इसके साथ इंटीग्रेट हो गया है। आप समझ रहे हैं इंटीग्रेशन का मतलब, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपने पोर्टल पे, यू आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू दिस पोर्टल। फिर उससे फायदा क्या होगा, सम ऑफ यू, क्योंकि हमारा माइग्रेशन रहता है, हम सर्दियों में जम्मू चले जाते हैं, बाकी स्टेट्स में चले जाते हैं। अगर आप में से कोई फैमिली जा रही है और किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, ही इज रजिस्टर्ड और शी इज रजिस्टर्ड, वो दिल्ली जा रहा है या कहीं और जा रहा है, वो रजिस्टर है, ही कैन फाइंड द जॉब हियर, वो वहां पर भी जॉब उसको मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो, वो कहीं पर भी जॉब, इवन गवर्नमेंट सेक्टर। ये कैपेबिलिटीज है एंड गॉड हैज गिवन हिम लॉट ऑफ टैलेंट। देयर इज आयोटा, मुझे एक आयोटा भी डाउट नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटीज, यू पीपल आर गोइंग टू फ्लरिश इन लाइफ, टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि आप इतने जहीन है, एसोसिएशन यू अवेलेबल। कोई बैंड बजा रहा है ना, और मॉडर्न रैपर ना बना में, वो भी आप उस चीज की स्टफ भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो, एंड देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन। आप समझ रहे हैं, तो माय पॉइंट इज कि आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे फोकस करो। एंड नाउ आई विल बी गोइंग फॉर द, लेकिन वही है ना, हमारा बहुत सारे लेकुनाज है, बट द थिंग है जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, दैट्स अ वेरी ह्यूज। और हम एंटरप्रेन्योरशिप पे 2010 से गवर्नमेंट का फोकस है, एंड गुड नंबर ऑफ स्कीम्स आर ऑलरेडी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मैंने अभी आपको बताया, अगर 10 साल पहले बिजनेस कर रहा था, उसके पास पैसा होना चाहिए था, बट आज की डेट में डोंट नीड मनी, आपको पैसा नहीं चाहिए। आपको चाहिए क्या, यू नीड एन आइडिया, इफ यू हैव ए आइडिया यू कैन फ्लरिश। और आइडियाज कहां से आते हैं, आइडियाज कहीं पर चाहिए, मगर करो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मिशन यूथ गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 20 से स्टार्ट किया हुआ है, एंड गवर्नमेंट इज रनिंग अ लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। उसमें 2-3 स्कीम है, लेकिन आई विल बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट वन स्कीम। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, पिछले 6 महीनों से मैं अवेयरनेस दे रहा हूं लोगों को कि इस स्कीम में आ जाओ, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड ए सिंगल फॉर्म, एक बच्चा भी नहीं मुझे मिल रहा है कि सुदेव बस कराए। इन्होंने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हमें अब कन्वेंशनल तरीके से, वो जो हमें तरीका हमारा है, हमें उसे अब बाहर आना है। एंड आई हैव द फर्म बिलीफ that you might have understood this lecture, and you have the potential and you have the idea, and you will come up with the novel idea, inshallah. Aur aise hi kuch aur session bhi hum inshallah rakhenge hamare paas jab thoda sa time hoga, abhi to aapke ab classes honge. Yahan pe main ek baat zehn se bhi kahunga, aur jaise inhone kaha ki yahan pe wo agar koi job provider hai ya service provider hai, wo yahan pe available hai. परसों हम गए थे ना 679 में, ऐसे भी बच्चे जो हमारे साथ पिकनिक पे गए थे, तो जब हम डल में वहां पे हमने वो बोटिंग की थी, तो वहां पे एक बोट में मैंने एक बंदे को देखा कैमरा लेके, फिर जिस बोट में मैं बैठा था उस बोट वाले ने मुझे कहा कि तू इज यू नजीर ए मैंने कुछ उसको पा नहीं पकड़ जाने दी, तो बोल यहां जो सिर ना करो यहां जो अमेरिका करा जॉब, तो बस ताकि जॉब छू करा $1 million फोटो, ठीक है ना, वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, बहुत कुछ सीखेंगे।
अंडरस्टैंड करेंगे और आप भी आएंगे विद नॉवल आइडियाज एंड वेयर ओवर हियर वी हैव विल गिव यू द प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह और ऐसे ही प्रोग्राम हम आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे ओपन होने लगेंगे एंड यू विल फॉलो ऑल दोस द गाइडलाइंस और जो यहां पर निजाम साहब ने आपको बताई है थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपके क्लास में रहे तो नेक्स्ट टाइम जो यू हैव ग्रुप सेशन आई हैड ऑलरेडी सो मेनी सेशंस विद निजाम साहब ऑनलाइन भी हमने इनके साथ सेशंस किए हैं और हमने ऑफलाइन भी इनके साथ सेशंस किए हैं